वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप रेडी है हमारे साथ स्नैक खाने के लिए? चलिए आप लोग। सबसे पहले मुझे हल्दी डालना है थोड़ा, उसके बाद नमक, उसके बाद धनिया, रेड चिल्ली पाउडर, जीरा, अदरक लहसुन। अब इसको बढ़िया से घोल बनाना है। बैटर रेडी है। बैटर में हमें इस तरह से आलू को डिप करना है और फिर डायरेक्ट तेल पे। ये बच्चों का फेवरेट आलू फ्राई शाम के नाश्ते के लिए, बच्चे इससे बहुत शौक से खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। सॉस और मेयोनीज से बहुत अच्छा लगता है। इसको लाल होने तक हम इसको इसी तरह से फ्राई करेंगे। बोलिए। ये देखिए हमारा आलू फ्राई जो है अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इस आलू फ्राई में थोड़ा जो और आलू है हमारा, उसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए क्या कितना करारा आलू बना है और टेस्ट। हम लोगों ने दूसरा ट्रिप भी डाल दिया है। बस ये थोड़ा और ब्राउन होगा एक साइड से, तभी वो करारा टेस्ट आएगा। ठीक है, इधर हमारा चीनी, तो बॉईल होने देते हैं और साथ ही उसके हमारे टाटा टी गोल्ड के स्वाद में चाय रेडी हो रहा है। इधर भी रेडी हो रहा हमारा चाय और उधर रेडी हो रहा हमारा आलू फ्राई। आइए, इधर रेडी हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। आज बच्चों को तो मज़ा ही आने वाला है, क्योंकि इस तरह की रेसिपी ज़्यादातर बच्चे लोग को इंजॉय करते हैं रमज़ान में। अब ये देखिएगा हमारा ट्विस्ट, ये जो हमारा बैटर बचा हुआ है ना, उसमें हमें सबसे फर्स्ट ये अजवाइन को डालना है हल्का सा मैश करके। और इसमें ये देखिएगा प्याज है, अदरक है, प्याज कच्ची मिर्ची, धनिया पत्ती को हम अच्छे से बारीक से काट दिए हैं और इसमें डाल दिए हैं। और जो छोटे छोटे साइज़ के आलू थे उसको भी हमको इस तरह से डाल देना है। डाल करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसी बैटर को हम लोग को अब ये देखिएगा हमारा छिट्टा पकौड़ी रेडी होगा। इससे हम लोग छिट्टा पकौड़ी रेडी करेंगे। जो बड़ों को पसंद है, तो आज बच्चों का फेवरेट और बड़ों का फेवरेट दोनों ही रेडी हो रहा है। एक तरफ वो फ्राई हो गया है, उसको पलटते हैं हमारे छिट्टे हुए पकौड़ी को। ये घर की बनी हुई जो छिट्टे पकौड़ी होती है ना, बहुत मस्त लगती है खाने में, क्योंकि इसमें हर कुछ अपना पसंद से डला हुआ है। प्याज है, कच्ची मिर्च है, धनिया पत्ती है, सारे मसाले, और जो मेरा आलू बचा था उसको मैंने ग्रेट करके डाल दिया, वो और भी सॉफ्ट हो जाएगा और टेस्टी लगेगा। तो हम लोग इसे अच्छे से फ्राई होने के लिए वेट करते हैं। पकौड़ी है ना, इसका शेप्स देखिए, इसका कोई शेप्स ही नहीं होता है, लेकिन ये अपने आप में मस्त होता है। मीन्स थोड़ा ये देखिए, देख रहे हैं, इसको छोटे छोटे करो और खाओ। फिर से इसको डालने का तरीका देखिए, फिर से इसको हाथ में लीजिए, बस फैला लीजिए ऐसे ऐसे करके हाथ से, मतलब कुछ छीटते हैं ना, बस वैसे ही छीट दीजिए। जब हम लोगों ने उसको छीटने से वो उस तरह का शेप्स ले लेता है।
तो आइए, हमारा पकौड़ी तो अभी बन रहा है और मैं आपको कुछ मीठा दिखाती हूँ जो मैं बना के आज रखी थी, उसको भी इसमें ही ऐड करके दिखाते हैं आज नाश्ता में। इसको तुम दिखाओ, मैं लेकर आती हूँ उसे। ये चावल का पीठा है, तो आइए और इंजॉय कीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म टी टाइम नाश्ता विद चाय। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।